नमस्कार, आज हम बात करेंगे आधुनिक काल के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रीति काल के बारे में। एक ऐसा युग, एक ऐसा काव्य जो सामंतों की गोद में पला और विकसित हुआ, उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 के बाद की, 1900 विक्रम संवत अर्थात 1843 ईस्वी से बाद की समय सीमा आधुनिक काल की मानी जाती है। इसे आधुनिक काल कहने के पीछे भी पृष्ठभूमि है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदला। अंग्रेजों का राज्य आया, अंग्रेजों के राज्य के साथ साथ यूरोप का प्रभाव आया, पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हुई, लोग पढ़ने लिखने लगे, और जब लोग पढ़ने लिखने लगे तो उनमें तार्किकता और बौद्धिकता भी बढ़ने लगी। जब तार्किकता और बौद्धिकता की बात आती है तो उसका पूरा विश्लेषण, उसका पूरा वर्णन करने के लिए, जैसा कि यूरोप में प्रचलित होने लगा, हिंदी साहित्य में भी केवल गद्य ही उसका एक माध्यम चुना गया और केवल पद्य मात्र जो है वो उस बौद्धिकता और तार्किकता के भावों को वहन करने में असमर्थ सिद्ध होने लगा। इसलिए हम देखते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है, क्योंकि गद्य की अनेक अनेक विधाओं का विकास इस काल में हुआ, इसलिए इसे गद्य काल की संज्ञा भी दी गई है। अब क्योंकि अंग्रेजों के साथ साथ में बौद्धिकता बढ़ रही थी, यूरोपीय शैली का प्रभाव बढ़ रहा था, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, तार्किकता की बात बढ़ रही थी, वैज्ञानिकता बढ़ रही थी सोच में, तो बहुत सारे परिवर्तन एक साथ आ रहे थे। और आधुनिक काल अपने आप में इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि उसे फिर से आगे बहुत सारे भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है, भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, और उसके बाद में छायावाद है, छायावाद के बाद में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, इस तरह आगे बहुत से उसके विभाजन किए गए हैं, क्योंकि आधुनिक काल जो है वो सबसे अधिक विस्तृत है। तो अगर हम भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा चलाए गए आंदोलनों से किए गए प्रयासों के कारण, क्योंकि साहित्य में और समाज में एक नव जागृति की भावना आ रही थी, इसलिए इसे नव जागरण काल भी कहा गया। यही वो काल है जब राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे सामाजिक सुधार लाने के प्रयास किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये धीरे धीरे हमारे समाज में होने वाले परिवर्तन के द्योतक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन लेखकों की बात करें तो उसमें श्रीधर पाठक हैं, प्रेमधन हैं, और बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक समस्याओं पर लेखनी चलाई। और सबसे महत्वपूर्ण जो उस समय भावना थी, जो उस समय प्रवृत्ति थी, वह थी राष्ट्रीयता की भावना। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों के राज में रहने के कारण जो भारतीय जिस चीज़ को अनुभूत करते थे, जिस चीज़ को वो देख रहे थे, सुन रहे थे, उसे कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से, गद्य लेखकों ने अपने लेखन के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि यद्यपि इस आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया गया है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस काल में पद्य बिल्कुल नहीं लिखा गया।
पद्य भी लिखा जा रहा था, लेकिन गद्य जो है वो अपने नवीनतम प्रयोग में था, नवीनतम उसमें विधाएं आ रही थी, इसलिए इसे गद्यकाल का नाम भी दिया गया है। अब अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्होंने नव जागरण का कार्य किया, जनता को जगाने का, शिक्षा के प्रति एक नई सोच लाने का, और अंग्रेजों के राज्य में होने वाली अनीतियों, अनियमितताओं और जो विसंगतियां हैं उसके प्रति उन्होंने व्यंग के माध्यम से कुठाराघात किया। अब सबसे प्रतिनिधि रचना अगर हम भारतेंदु की लेते हैं तो वह है अंधेर नगरी। उन्होंने नाटक लिखे और बहुत सारे नाटकों के माध्यम से उन्होंने जो है समाज को जागृत करने का, साहित्य का प्रतिनिधित्व करने का एक सफल प्रयास किया। अनेक प्रकार की प्रतीकात्मक चीजें हैं, प्रतीकात्मक शैली का विकास जो है वो भारतेंदु युग में हुआ। नई भाषा खड़ी बोली का विकास हुआ, खड़ी बोली का विकास हो, चाहे तार्किकता बौद्धिकता का विकास हो, चाहे प्रतीकात्मक शैली का विकास हो और राष्ट्रीयता की भावना हो, ये कुछ एक विशेष शैलियाँ थी जो भारतेंदु युग में जो है वो उस युग के साहित्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं।